कि हमारे मुंह में फूड की डाइजेशन कैसे होती है। कल हमने पढ़ा था कि डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट होती है। दिस मीन्स कि जब भी हम अपनी फर्स्ट बाइट हमारे माउथ में रखते हैं तो डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। हमारे मुंह के अंदर क्या है ऐसा जो डाइजेशन में हेल्प करता है? दैट आर टीथ एंड टंग। ठीक है, तो टीथ जो है वो क्या करते हैं, चार तरह के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। हर एक का एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, तो ये टीथ क्या करते हैं, फूड को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करते हैं। ठीक है, इंसीजर जो है फूड को कट करता है, बाइट करता है, कैनाइन इसको टीयर करते हैं, चीर फाड़ करने में हेल्प करते हैं, प्रीमोलर और मोलर उस फूड को ग्राइंड करते हैं और उसको पेस्ट बना देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब ये फूड जो है पेस्ट हो जाता है, हम हमारे माउथ में या नेक के पास सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर की पानी की तरह एक वाटरी फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम कहते हैं स्लाइवा। ठीक है, तो ये स्लाइवा जो है, जैसे हम कोई अपनी फेवरेट चीज़ देखते हैं, फेवरेट फूड आइटम देखते हैं, हमारे मुंह में पानी सा आना शुरू हो जाता है, वो जो पानी हमारे मुंह में आता है दैट इज स्लाइवा, उसी को स्लाइवा ये हिंदी में लार कहते हैं। ठीक है, तो जब हम ये फूड जो है टीथ के साथ ब्रेक कर रहे हैं पीसेस में, तो साइड वाइज वहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा सिक्रीट हो रहा है, स्लाइवा बनना शुरू हो रहा है और ये स्लाइवा जो है फूड के साथ मिक्स हो जाता है और इसकी डाइजेशन करना शुरू कर देता है स्टार्च की, जो कि कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट का एक पार्ट है, उसकी डाइजेशन ये स्टार्ट कर देता है। दिस मीन्स कि फूड में जो पांच न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एट्सेट्रा, उनमें इस स्टार्च की डाइजेशन जो है वो सबसे पहले स्टार्ट हो जाती है हमारे माउथ से ही। ठीक है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है हमारे माउथ में, उस इसके बाद ये फूड जो है जो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक किया गया है, ये टंग की हेल्प से कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में। ठीक है, और यही डाइजेशन माउथ में कंप्लीट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। आप अपनी बुक में पेज नंबर 22 पर डाइजेशन इन माउथ जो टॉपिक दिया हुआ है उसको रीड करेंगे। ठीक है, और अच्छी तरह से समझेंगे। थैंक यू।